अदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको कंवल इरफान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज्जज मेहमानों को खुश आमदेद। अजीजान मन, इमरानियात के जानने वाले ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि कुदरत की फयाजियां उस पर किस उनवान निछावर हुई हुई हैं, तो चार चीजें देखो कि उस मुल्क के पास हैं या नहीं है। अगर उस मुल्क के पास समंदर है तो वो कामयाब मुल्क है। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास समंदर भी है। अगर उसके पास रेगिस्तान है तब भी वो मुल्क खूबसूरत है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में रेगिस्तान भी है। फिर वो कहते हैं कि क्या उनके पास पहाड़ हैं? दुनिया की 10 बेहतरीन बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियां पाकिस्तान में हैं। ये भी हमारी खुशकिस्मती है। और आखिर में वो पूछते हैं कि ये तो चलो हुआ, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, बुलंद चोटियां भी हैं, क्या उनके पास मैदान है गल्ला उगाने के लिए? पाकिस्तान का 41% रकबा मैदान पर मुश्तमल है, जहां हर किस्म का गल्ला उग सकता है। ये हमारी खुशकिस्मती है और रब्बे जलील का करम है हमारी कौम पर। हिम्मत करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है, कोशिश करना आपका हिस्सा है, नतीजा खुदा पर छोड़ देना चाहिए। वो कादर याद ने मिसरा लिखा है कि सिट कादर ते ढोर। और कुरान आपको हिदायत करता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान के पास इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, हिम्मत की, काविश की। कोशिश करें, हिम्मत करें, काविश करें, अपने मुल्क के कानून पर अमल करते हुए इसे खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया के वस्त में कौन सा मशहूर शहर है? मक्का शरीफ। मक्का मुअज्जमा, जवाब दुरुस्त है। तशरीफ़ जी, मेरा आपसे फिर सवाल है कि बलूचिस्तान में कौन सी दो बड़ी तकरीबात अवामी हैसियत हासिल कर चुकी हैं? यानी सालाना दो तकरीबात ऐसी होती हैं बलूचिस्तान में कि उनमें नागा नहीं पड़ता, कौन कौन सी? सिद्धि मेला और एटम बम का जो 28 मई। यानी हर 28 मई को वहां एटम बम चलाया जाता है? नहीं सर, उसके मैंने कहा कि दो तकरीबात ऐसी हैं जिनमें अब नागा नहीं पड़ता बलूचिस्तान में, वो होती हैं। एक तो आपने फरमाया सिबी मेला, दूसरा 28 में ही है। बस यही है मेरे ख्याल। आइए मेरे साथ। आपका आधा जवाब दुरुस्त है, आधा गलत है। बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? आपकी मर्जी है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी पूछे कि मुझे आपने यहां से वहां बुलाया है? आप दो दफा जाने को तैयार हैं, चाहे 102 बुखार हो, चाहे गला इतना खराब हो,
वो तो सर फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा आप बलूचिस्तान से? हाँ पंजाब से। थोड़ा सा भंगड़ा तो करके दिखाएं। हाँ बलूचिस्तान में एक जश्न सिब्बी है जो हर बरस होता है, ये और जश्न ज्यारत, ये दो एक अवामी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और ये हर बरस होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है जी, इससे आसान सवाल और कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आगाज नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बरस खुफिया तरीके पर तबलीग का फर्ज अदा किया? जी 3 साल। तीन बरस तक। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले जाए। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या मतलब? अल्लाह एक है। कह दो कि अल्लाह एक है। जवाब दुरुस्त है, तो शुक्र। जी आप दोनों ने सवालों के जवाब दिए हैं। आप मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के, खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आप उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है और बेटा आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा जिप्सी की तरफ से। और आप दोनों मेहमान बने वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने भी तोहफे भेजे हैं और साथ कैश किताब भी है। यही सूरत हाल वाइटल ने आपके साथ रवा रखी है। बिस्मिल्ला। चाय बनाने वालों ने ये जो कार भेज रखी है, आज इसका तीसरा क्वार्टर सेमीफाइनल है और जो मेहमान तशरीफ लाए हैं साजिद इकबाल और बेगम साहबा, लुबना जलाल और आफिया जलाल और उस्मान और मैसम वलीद। आप तीनों से मैं तीन तीन सवाल पूछूंगा, हर सवाल के 50 नंबर होंगे। उसके बाद आपके पास तीन तीन चांस होंगे, वो बोर्ड पर वो किस्मत का खेल है जी। वाइटल चाय लाएं, मेहमानों के चेहरे जरा उतरे हुए हैं, खुशगवारियत इनके चेहरों पर आए और इनकी सोई हुई जहानतें जागें जी। वाइटल चाय के मेहमान, वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जुड़े भरपूर मजा अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में। हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपकी बारी, आपसे तीन सवाल हैं, हर सवाल के 50 नंबर हैं। बाहम मशवरा कीजिएगा और वक्त आपके पास कम होगा। उदास नस्लें, उर्दू का एक मशहूर नॉवल है, मुसन्निफ का नाम बता दें। अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन। पचास नंबर जी, आपसे दूसरा सवाल है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान कौन सी थी, यानी कौन सी जबान वो बोलते थे? इब्रानी जबान बोलते थे। आपके 100 नंबर हो गए और आखिरी सवाल है
نفسیاتی اصطلاح میں ہر چیز سے ڈرنے کے مرض کو کیا کہا جاتا ہے؟ پینٹوفوبیا. پینٹوفوبیا. آپ نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں. آپ کرتے کیا ہیں؟ یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. جی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تبھی ہی. ٹھیک ہے جی, آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 150 نمبر سوالوں میں سے حاصل کر لیے. لبنہ جلال اور مافیا جلال, آپ کی باری ہے. فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی کی کتاب ہے. بتائیے فرہنگ آصفیہ کا موضوع کیا ہے؟ اور آگے بھی ہے کہ اور یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ 3 جلدوں میں. اور اس کا سبجیکٹ کیا ہے, موضوع کیا ہے؟ الفاظ کے معنی دیے ہوتے ہیں حروف تہجی کے لحاظ سے. حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ کے معنی. جی. اور یہ آپ نے فرمایا 3 جلدوں میں ہیں. یہی کہا نا. جی. اب اس کو تو میں چلیے صحیح سمجھ لیتا ہوں, حالانکہ یہ سیدھی سی بات تھی کہ یہ اردو کی لغت ہے, ڈکشنری ہے. لیکن آپ نے بھی جواب تقریباً ٹھیک دیا ہے کہ الفاظ کے معنی. لیکن یہاں آپ نے غلطی کر دی ہے, یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے. آپ نے کہا کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے میں ادھر رکھتا ہوں, اگر کہیں اس کے 25 نمبر آپ کو دیتا ہوں. جی 50 کی جگہ. آپ سے دوسرا سوال ہے, وائٹل چائے کی کار کا 3rd کوارٹر فائنل پروفیسر چاہ پی رہے ہیں تو میں کوئی کم ہوں؟ اچھی ہے جی. سوال یہ ہے جلال, تحریک آزادی کے دوران پاکستان کا لفظ پہلی بار کب منظر عام پر آیا؟ وقت محدود ہے جی. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد جو 1930 میں انہوں نے دیا, اس کے 3 سال کے بعد 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان دیا اور پہلی بار یہ یوں منظر عام پر آیا. جی غلطی ہو گئی جی. آپ سے تیسرا سوال ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبہ کل پاکستان کے رقبے کا 9.4% ہے. غلط. آپ کے وہی 25 کے 25 نمبر رہے جی. آپ کی باری ہے دوستو. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ان 2 صدور کے نام بتائیں جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. صدور جمع ہے صدر کی, تو پاکستان کے ان 2 صدروں کے نام بتا دیں جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. صدر ایوب خان اور چودھری فضل الہی, یہ دونوں پاکستان کے صدر بھی رہے اور یہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے جی. غلطی جی.
सवाल यह है वाइटल चाय की कार का तीसरा क्वार्टर सेमीफाइनल तकसीम हिंद और कयाम पाकिस्तान के वक्त कश्मीर का हुक्मरान कौन था? राजा था इसका। जाहिर है राजा तो था, राजा का कोई नाम भी होगा या नहीं? महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, ये उस जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त कश्मीर का जो सरबरा था, हुकूमत का सरबरा था, वो महाराजा हरि सिंह था जी। गलती। आखिरी सवाल, वाइटल चाय का तीसरा सेमीफाइनल, आखिरी सवाल, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? जी वक्त 100, 100 या 9, एक जबान में बात करें या 100 कहें या 100 कहें? 100 100। पाकिस्तान के सूबाई असेंबलियों में अरकान की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, कौमी असेंबली में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सेनेट में चारों सूबों की नुमाइंदगी यकसां है, ताकि अगर कोई ऐसा झगड़ा आ जाए तो किसी सूबे को यह शिकायत ना हो कि उसके मेंबर्स ज्यादा थे तो वो अपनी अक्सरियत पर इस बिल को पास करवा के ले गए, हम नहीं मानते। तो सेनेट में सूबों की सबकी तादाद एक सी है और हमारे पूरे सेनेट की तादाद 100 है, उसको आगे तकसीम है, ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, उलमा की हैं और टेक्नोक्रेट्स की हैं, इस तरह से वो फिर लंबी बात है। आपका जवाब दुरुस्त है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके 150 नंबर हैं, लुबना जल। लुबना जलाल और माफिया जलाल, आपके 25 नंबर हैं, उस्मान और मैसम वलीद, आपके 50 नंबर हैं जी। अब तशरीफ ले आए। साजिद इकबाल, आपके पास 3 चांस हैं, ये तीर पड़े हैं, इससे आगे नहीं आना, ये जो मैंने निशानी रखी हुई है। और मैं बता दूं, आपको पता तो होगा, जहां वाइटल है ये 100 नंबर हैं जी, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की है, माइनस है, मनफी 7, 50, 40, 18, बाकी ओपन हैं, खुले हैं। ये वैसे 100 है, पर आप मार के यहां देखें कि क्या बनता है जी। शाबाश। बात मानी मेरी, 40 पर जी, 40 नंबर कम कर लें जी, 40। 2 चांस अभी आपके हैं, अब आपका जो जी चाहे वह हमारे, आप मेरी फरमाइश पूरी कर दी। उनचास 49, आखिरी चांस जी। और ये दोस्त सुन लें कि अगर किसी ने यहां ना मारा, जमीन पर गिर गया, तो उसका चांस खत्म हो जाएगा जी। एटी, हाय हाय हाय, मेरी बात इतनी सी रह गई। 30 नंबर, 30। ये आपका दूसरा चांस,
वाइटल सॉ, तीसरा चांस जी। अब अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो यहां कोशिश करें। जी आप देख ली 35 है, 35 मैं वही बोर्ड से देख 35 35। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके दोनों के सवाल जवाब और किस्मत के खेल के 404 नंबर आपके हैं। लुबना जलाल तशीफ लाए। सौ ये आपका दूसरा चांस है जी। सौ ये आपका तीसरा चांस है जी। किस नंबर 21 100 वाइटल ये आपका आखिरी चांस है। बाईस नंबर 22 लुबना जलाल और माफिया जलाल 368 नंबर आपके हैं 368। आओ भाई उस्मान साहब, वाइटल चाय की भेजी हुई कार का आज तीसरा सेमीफाइनल है। आपने अभी तक कोई नंबर हासिल नहीं किया, किए हैं 50 नंबर आपने हासिल किए हैं और तो वाह इतना गुस्सा। 13 नंबर ये वाइटल 100, बाकी ओपन है, ये डेंजरस है, खतरनाक लकीर है लाल। 13 नंबर जी आपका तीसरा चांस।